आप हिंदू है ना, अपने आप को हिंदू कहते हो ना, तो सीखो। हमारी सीता मां ने लंका में भी रहकर रावण से डायरेक्ट नजरें मिलाकर बात नहीं की, रावण को देखा तक नहीं। आजकल तो हमारी बहन बेटियां सबसे हाथ मिलाती हैं, हेलो इज माय फ्रेंड, तो दूर से नमस्कार कर ले, फ्रेंड है तो यूं नमस्कार कर ले कि हाथ ही मिला के मानेगी। ये कौन सी फ्रेंडशिप है जो हाथ मिला के और गले लग के ही शुरू होगी तुम्हारी? किसने सिखाया ये? सीता मां ने रावण से कैसे बात की थी जरा बताना मुझे। तृणधर ओट कहत वैदेही, तिनके को बीच में रख लिया। किसको? जोर से बोलिए, क्यों रख लिया? क्योंकि भारतीय स्त्री सिर्फ अपने पति को देखती है, अन्य पुरुष को देखना नहीं चाहती, इसलिए सीता मां ने अपने बीच में तिनका रखा। तिनका, वैसे ऐसे कहते कि पृथ्वी मां से ही सीता मां का जन्म हुआ है, तो पृथ्वी की पुत्री है और तिनके का भी जन्म, जोर से बोलिए, भूमि से हुआ है, तो ये सीता मां का भाई हुआ। तो सीता मां कह रही मेरा भाई मेरे साथ है, बात तो कर रही हूं लेकिन मेरा भाई मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भाई मेरे बीच में। तो मतलब बोले या तो पति साथ हो तब आप किसी से बात करो, या भाई साथ में हो तब आप किसी से बात करो, या आपके पिताजी आपके साथ हो तब आप किसी से बात करो, और बात करो मर्यादा में रह के। डोंट टच एनीबडी, प्लीज ट्राई टू चेंज योर माइंड, योर थॉट, योर थिंकिंग। You are not European, American, Canadian. You are Bharatiya, Indian. First you learn what is your culture teaches you. If I am speaking in English, then I am better. और अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये लोग जानते क्या है? अरे इस thinking को बदलो, इस विचारधारा को बदलो। I am the best. We are the best. कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। इतना सुंदर पवित्र कल्चर है हमारे इस भारत वर्ष का, इतना सुंदर कल्चर है।